जाओ। देखो एक रिकॉर्ड तो है सही, और सबसे ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि सभी धर्मों और सभी समाजों की आज उपस्थिति दर्ज हुई है। एक लघु भारत, समरसता का भारत, सबको समान रूप से देखने की जो नजर है भारत की, वो आज हमको यहाँ दिखने मिले। मुझे उत्साह इस बात का दिख रहा है कि जो हमारे युवा साथी है वो आज सबसे ज्यादा संख्या में युवा साथी दिख रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से शहरवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो उत्साह के साथ उन्होंने शामिल हुआ। हर समाज, हर धर्म, हर वर्ग, छोटा छोटा समाज, केरला समाज बहुत छोटा है, बोरा समाज, बंगाली समाज, गुजराती समाज, मराठी समाज, सिंधी समाज, ये सभी समाज के लोगों ने आज अपनी प्रस्तुति दी झांकियों के साथ, और ये उत्साह देखते हुए बन रहा है। मैं इंदौर की जनता को धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से। तिरंगे के बाद ये जो होगा इसके बाद इसका क्या किया जाएगा? तिरंगे, अब ये तिरंगा है, इसको हम ध्वज के रूप में बनाएंगे, इसमें अशोक चक्र लगेगा, और जो उसके नाम से स्टैंडर्ड नाम, उस नाम के अनुसार इसको बांटे, लगभग 12,000 लोगों को हम ये बांटेंगे। उसमें हमने माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय उपराष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री जी को एक एक इस टोकन के स्वरूप में, लघु भारत का जो स्वरूप दिखा उसके रूप में उनको प्रदर्शित देने वाले हैं। बहुत से लोगों ने थूक भी रखा, उसको क्या करेंगे आप? देखिए जो करने वाले वो उनकी मानसिकता आपको मालूम है, यहाँ आप जो उत्साह देख रहे हैं, देशभक्ति का देख रहे हैं, तिरंगे का देख रहे हैं। क्या लगता है स्वतंत्रता दिवस पर ये किस तरह से एक अलग संदेश देगा? 12 अगस्त से ही स्वतंत्रता दिवस, मुझे लगता है जिस प्रकार से लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे युवा पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, पर आज देखते मुझे लगता है वो देश प्रेम की ओर जा रहे हैं। नहीं, बाइक स्टैंड जो नाम से लाइसेंस मिले हुए हैं उनको आज बुलाया गया, और वो अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। BSF, पुलिस, SF और NCC, NSS सभी लोग आए, और उनकी बैंड भी आई है, सत्यता की बैंड भी आई है, और एक शस्त्र प्रदर्शन भी BSF ने यहाँ रखा है। क्या दावा है, कितनी संख्या होगी आपके अंदाजन? आपके नहीं अंदाजा आप लगा सकते, लेकिन 50,000 से ज्यादा है। Thank you.
Thank you.